बेगूसराय में शौच के लिए गई एक महिला की बेरहमी से हत्या कर शव को बगीचे में फेंक दिया गया। घटना मुफस्सिल थाना के सिकंदरपुर जिनेदपुर गांव की है। बताया जाता है कि सिकंदरपुर निवासी राजाराम सदा की 30 वर्षीय पत्नी बेचनी देवी देर रात शौच के लिए बगीचे में गई थी, जिसके बाद आज उसका शव बगीचे से मिला है। हत्यारों ने बेचनी देवी की गला दबाकर और सिर पर भारी चीज से प्रहार किया है। घटनास्थल से पुलिस ने एक लोटा 3 चप्पल बरामद किया है, जिसमें 2 पुरुष के चप्पल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस डॉग स्क्वाड को मंगाने की बात कही है। मृतका का पति बाहर में रहकर मजदूरी करता है। परिजनों ने किसी से भी कोई भी विवाद या दुश्मनी की बात से इनकार किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लग रहा है, लेकिन रेप की बात को लेकर डॉक्टरों की राय मांगी गई है। हरे राम दास, टुडे बिहार न्यूज, बेगूसराय। सिकंदरपुर, उसी का शव था। उसको गला में निशान है और सिर पर भी ब्लड निकला हुआ था। ऐसा लगता है कि गला में जख्म और सिर पर चोट पहुंचा करके ही उसकी हत्या कर दी गई है। कुछ दूरी पर 3 चप्पल भी मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस फॉलोअप कर अनुसंधान कर रही है और तत्काल शव को अंत परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। उनके शव का निरीक्षण कराया गया तो प्रथम दृष्टव्या हत्या का ही प्रतीत होता है। दुष्कर्म का भी कुछ मामला लगता है? जी नहीं, ऐसा तो अभी तक प्रथम दृष्टव्या कोई बातें प्रकाश में नहीं आई है, परंतु चिकित्सक महोदय से भी इस बिंदु पर जांच के लिए निवेदन किया गया है।